दोस्तों ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन। ये ट्रेन इतना हिट है कि इंडिया के अलावा सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश भी इस ट्रेन को इंडिया से खरीदना चाहते हैं। और इंडिया में इस ट्रेन की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि इस बजट में घोषणा किया गया कि अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर इस ट्रेन की इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है। दोस्तों इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। इनफैक्ट दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है इंडियन रेलवे। डेली 1 लाख से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन ऑपरेट होती है। इसके बावजूद भी हाई स्पीड रेल एक सपना ही है अपने देश में। दोस्तों हाई स्पीड रेल, जिसे कॉमनली बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है, के मामले में हम दुनिया के दूसरे देशों से काफ़ी पीछे हैं। हाई स्पीड रेल के लिए अलग से रेलवे ट्रैक बनाया जाता है। वर्तमान में मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि दिल्ली से बनारस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में भी अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, इसीलिए एग्जिस्टिंग ट्रैक को ही अपग्रेड करके सेमी हाई स्पीड ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया। और पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। और इसे 2016 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच चलाया गया था। हालांकि अभी इस ट्रेन को झांसी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन इंडियन रेलवे का प्लान था कि मॉडर्न हाई स्पीड रेल का एक पूरा सीरीज हो और हर एक रूट में ऐसे ट्रेन को चलाया जाए। तो इसके लिए जून 2015 में इंडियन रेलवे के द्वारा टेंडर इन्वाइट किया गया, लेकिन इस टेंडर में किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो ये फैसला लिया गया कि इंडिया में ही हाई स्पीड के एडवांस फीचर्स वाले ट्रेन बनाए जाएंगे। शुरुआत में प्लान था कि बिना इंजन वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाया जाएगा, जिसकी स्पीड होगी 160 किलोमीटर पर आवर। 2017 में इस ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ ICF चेन्नई में। फाइनली अक्टूबर 2018 में ये ट्रेन बनकर तैयार हो गया और इस ट्रेन का नाम रखा गया ट्रेन 18, क्योंकि इस ट्रेन के बनाने में 18 मंथ्स का टाइम लगा था। और इसका दूसरा लॉजिक ये भी है कि ये ट्रेन 2018 में ही बनकर तैयार हुआ। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही इस ट्रेन का नाम चेंज करके वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। सबसे पहले इस ट्रेन को नई दिल्ली से बनारस के बीच चलाया गया था। 15 फरवरी 2019 को इस ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ था। नई दिल्ली से बनारस के बाद दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से कटरा के बीच चलाया गया। तो इस ट्रेन के सक्सेस होने के बाद 45 नए वंदे भारत एक्सप्रेस को 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग करने की घोषणा की गई, लेकिन कोविड पैंडेमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के कारण अगस्त 2022 तक केवल 10 ट्रेन ही तैयार हो पाएंगे। साथ ही 2022-23 के आम बजट को पेश करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की, यानी कि अगले 3 साल में सभी मेन रूट में वंदे भारत ट्रेन चलाने की कोशिश होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रायल रन में 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव किया था। हालांकि इस ट्रेन को 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन अभी हमारे पास ऐसे रेलवे ट्रैक नहीं है। इस ट्रेन के अगर फीचर्स की बात करें तो ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स और ऑटोमेटेड स्टेयर्स, जो कि केवल ट्रेन के रुकने पर ही खुलती है, GPS बेस्ड पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, CCTV कैमराज, इमरजेंसी में ड्राइवर से बात करने के लिए टॉकबैक फैसिलिटी, एरोप्लेन के जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन ये एरोप्लेन से भी ज़्यादा कंफर्टेबल, और इसमें 180 डिग्री तक रोटेटेबल सीट्स हैं। इसके अलावा और भी कई सारी यूनिक फीचर्स हैं इस ट्रेन में। वंदे भारत एक्सप्रेस की ऑपरेशनल स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, और अगर इसे कंपेयर करें दूसरे ट्रेन से, एक ट्रेन को दिल्ली से बनारस तक ट्रेवल करने में 15 से 18 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन ये ट्रेन केवल 8 घंटे में ही दिल्ली से बनारस पहुंच जाती है। इसीलिए इस ट्रेन की डिमांड हर एक रूट में है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 400 नई ट्रेन अगले 3 साल में चलाने की बात की तो ज़्यादातर रूट में इसकी डिमांड पूरी हो जाएगी, लेकिन इंडिया के अलावा दूसरे देश भी इस ट्रेन को
इंडिया से खरीदना चाहते हैं। सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे कई सारे देश वंदे भारत एक्सप्रेस को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं। और इसका रीजन ये है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच की एवरेज कॉस्ट है 6 करोड़ रुपए, जबकि इस कैटेगरी के दूसरे ट्रेन की कॉस्ट पूरी दुनिया में 24 से 25 करोड़ रुपए पर कोच है। तो ये काफ़ी सस्ता है, साथ ही ये ट्रेन पैसेंजर और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो आने वाले टाइम में मेड इन इंडिया ट्रेन्स की पूरी दुनिया में धूम मचने वाली है। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस में लगने वाला 80% से ज़्यादा पार्ट्स अपने देश में ही अवेलेबल है और इसे 100% इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसीलिए इस ट्रेन का कॉस्ट काफ़ी कम है। वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 पैसेंजर कार हैं और एक कोच का एवरेज प्राइस 6 करोड़ रुपये है, यानी कि एक पूरी ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 100 करोड़ रुपये लगता है। इस ट्रेन की सीटिंग कैपेसिटी 1128 पैसेंजर्स की है। एरोडायनामिक डिज़ाइन और बिना इंजन वाले इस ट्रेन में दोनों ओर ड्राइवर केबिन होता है, मेट्रो के जैसे। वंदे भारत ट्रेन अभी 2 रूट में ऑपरेट होती है, दिल्ली से बनारस और दिल्ली से कटरा, जबकि इसका 3rd रूट हावड़ा से रांची प्रपोज्ड है, जो कि नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च 2022 में शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।